तो राम राम भाई शरण है। तो आज हमने फिर से भारा बांधने आया है, इधर राजू है इधर गोलू है। तो इसको बांधने के बाद हमको इसको वो पास इकट्ठा करना है, उसके बाद उसको मिंजाई करना है। तो हम आपको दिखाना है क्या, हम थोड़ा सा पानी लेके आया है, इधर देख सकते हो पानी पियेंगे। तो चलो मैं इकट्ठा करने लगता हूँ, फिर हमारा चैलेंज तो नहीं है क्योंकि ये हर वर्ष का कार्य होता है मित्रों। ये ऐसा छूट जाता है, इसको ऐसे यहाँ पर कोचक देने का है, ऐसे कोचक देने का है, ठीक है। कोचक दिया मैं तो बड़ा बड़ा बांधने का नहीं रे, बड़ा बांधने से उठाने का नहीं होगा रे। तो चलो मेरे को तो नहीं आता, ऐसा कर दूंगा मैं। भाई सारण है, यहाँ का बांधने का कम्प्लीट हो गया, यहाँ का बच गया है, ये देख सकते हो यहाँ का अभी बज रहे हैं एक। अभी हम लोग जाएंगे खाना खाने के लिए, उसके बाद आके तुरंत इसको पढ़ाई करेंगे, उसके बाद वहाँ पर इकट्ठा करेंगे। तो देखो कंप्लीट हो गया है, यहाँ पर समझ जाओ। तो भूख भी लगी है तगड़ी वाली, तो मैं इनको बोला कि जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी जाएंगे। तो चलो यार इतना जल्दी जाते हैं, खाना खा के आते हैं, फिर से करते हैं, फिर मिंजाई करते हैं, उसके बाद कहानी ख़त्म करते हैं इसका। तो भाई सारण हम लोग फिर से आ गए हैं, ये जो बज गया है इसको उठाने के लिए, ये देख सकते हो अभी 2:30 बज रहे हैं। तो इस कार्य को कंप्लीट कर लेते हैं दोस्तों, ताकि बाद में दिक्कत ना हो। तो चलो इस काम को कंप्लीट कर देते हैं, ये पूरा उठाएंगे, गट्ठा बनाएंगे, भारा जिसे हम भारा बोलते हैं उसको वहां पर डालेंगे। तो फाइनली गाइस ये देख सकते हो लास्ट बज गया है कंप्लीट होने के लिए, इधर ये गट्ठा बांध रहा, अभी संतोष भी आ गया। इधर एक बज गया है, मतलब ये वाला जगह ये वाला बच गया है एक। इधर बाकी गोलू और राजू उठा रहे हैं, ये पास लाएंगे पूरा यहाँ के जितने भी पड़े हैं उसको। तो चलो तो फिर से राम राम भाई सारण है, मैंने नहा लिया, मैं इन लोगों को काम दे के मैं चला गया था घर नहाने के लिए, अभी नहा लिया। तो अभी इसका मिंजाई नहीं करेंगे, कल सुबह करेंगे, क्योंकि हमें थ्रेसर नहीं मिला जिसको हमने ऑर्डर दिया था, वो अभी बिजी में है, कल सुबह आएगा, तो कल मिंजाई करेंगे, आज नहीं करेंगे। तो बाकी इन लोग थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, देख सकते हो थोड़ा सा लाने के बाद। तो चलो तो कैसे करके लाते हैं उसको मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलो इन लोग जा रहे हैं, इनके पीछे पीछे मैं जा रहा हूँ। चल गोलू, इधर गोलू है, इधर संतोष है और राजू है, मैं भी पीछे पीछे जा रहा हूँ। एक साइड से रास्ता बना दिया है इन लोगों ने, अच्छी बात अच्छी बात। ऐसे कुछ कचका जाता है, इसको उठाने के बाद फिर दूसरे वाला में कुछ कचका जाता है, ये देखो ऐसा कुछ, उसके बाद ऐसे उठा के ले जाता है। मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये हंस रहा है, अच्छी बात है, यूट्यूब में आएगा भाई, वैसे हर दिन आते रहता है। अगल अगल सब बढ़िया, तो गाइस इस धान की मिंजाई कल करेंगे, बाकी जो धान बाकी है ना उसको ला रहे हैं बंदे लोग, देख सकती हो। बाकी मेरे ख्याल से 10-15 मिनट और लगेगा, तो बस मैं रुका हूँ ये पास, मेरे को थक लग गया है यार आज, बहुत थक नहीं लगा है, थक लगा है बहुत। गोलू चेहरा छुपा रिया है। तो मित्रों इसको हमने ऐसे पैक कर दिया है, मतलब ढक दिया है इसको, ताकि रात का ओस है जो ना इस पे ना पड़े, ताकि ना पड़ने से गीला ना हो, तो गीला हो जाएगा तो अच्छे से धान नहीं झड़ेगा, इसीलिए। तो इसको पैक कर दिए हैं, सुबह आएंगे उसको खोलेंगे, उसके बाद मिंजाई करेंगे, देख सकते हो इतना सारा हुआ है। तो अभी सभी लोग कंप्लीट कर लिए हैं जाने के लिए, इधर गाड़ी और साइकिल, बाइक और साइकिल है। तो चलो चलते हैं यार, इन लोग भी तैयार हो नहाएंगे यार, सुबह से आए थे 12 बजे खाना खाने के लिए, 1 बजे खाना खाने के लिए गए, फिर वापस आए, कल आज मिंजाई किए रहते, 3 ही लोग हो गए, एक बंदे फिर से आया, 4 हो गए, मेरे साथ 5, मैं तो उतना ज्यादा काम नहीं किया। हाँ तो 5 जने आए रहने से आज कंप्लीट कर लिए रहते पूरा मिंजाई करके। तो चलो चलते हैं, क्या करेंगे, किस्मत में जो लिखा है वो होता है, उसको हम मिटा नहीं सकते, उसको बदल नहीं सकते। तो दोस्तों मैं इधर से टहल के जा रहा हूँ वापस घर, और वैसे आज का सीन तो आपने देखा, अगर अच्छा लगा ना तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल में तो सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। तो मिलते हैं कल के सुबह के व्लॉग में, धान मिंजाई करते हुए उसका भी दिखाएंगे आपको।
तो तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।